कर लिया है और 7 से 14 यानी 7 कॉलम सेलेक्ट किया। अब हम आल बॉर्डर लगाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, और राइट एरो, और इसमें डालेंगे लास्ट नेम, फिर है राइट एरो, इसमें डालेंगे फुल नेम, और इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको हम बढ़ा लेंगे, पूरा नाम आ जाएगा, और इसको भी इसी तरह से इन तीनों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर डालते हैं जैसे जय, इसमें डालते हैं मीरो, और इसमें डालते हैं सचिन, सॉरी सचिन, सॉरी यस सचिन, इसमें डालते हैं कुमार। मान लो ये दोनों को सेलेक्ट करके और हम यहाँ से खींच लेंगे और पूरा आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो अब इसका फार्मूला हम लगाएंगे। पहले हम करेंगे बराबर का निशान, लिखें CON CON, और ये आएगा इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इस पर पहले टैप करेंगे, फिर कामा लगाकर और सैंपल स्पेस सैंपल एक्सटेंशन सैंपल कामा और इसपे ओके करें और इंटर कर दें। बीच में स्पेस आ गया। अगर इसमें स्पेस नहीं देना है तो इसको बराबर वही प्रक्रिया रहेगी, CON क्लिक करेंगे और पहले स्पेस सचिन पे क्लिक करेंगे, कामा और एरो, फिर एरो, कामा, कुमार पे टिक करेंगे और इंटर कर देंगे। देखो सचिन कुमार एक में आ गया। अगर इसको हम बस यहाँ पे अगर हम स्पेस कर देते हैं बीच में और इंटर कर देते हैं तो इसमें स्पेस आ जाएगा बीच में, ठीक है। चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम उनको पाएंगे, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ से पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, और इसको हम कंट्रोल भी करेंगे। देखो पूरे के पूरे आ गए हम। धन्यवाद, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।